जीवन में यदि कोई भी कीमती चीज मिले, कीमती चीज आपका कीमती समय हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है, उन चीजों की बेटा कद्र करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कद्र नहीं की। अक्सर आप देखो हमारे माता पिता क्या होते हैं, हमें लेके ओवर सेंसिटिव होते हैं, हमें लेके इनसिक्योर होते हैं कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपको बार बार घर में परेशान भी करते हैं, डांटते भी हैं, हर बार सही भी नहीं होते वो डांटते वक्त, कहीं ना कहीं आप पे जाने अनजाने प्रेशर बना देते हैं, ये देखो पड़ोसी के बेटा इतना नंबर लेके आ रहा है, वो देखो वाली मौसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो अंजू बुआ की बेटी कितना अच्छा एग्जाम निकाल दी है, वो तो अभी आईएएस बनने जा रही है, तुम क्या करोगे। गलत है, सही बिल्कुल नहीं, बहुत गलत काम करते हैं ये, वो नहीं करना चाहिए, पर इसके पीछे का कारण समझते हैं ना हम, तब तो पढ़े लिखे लोग हैं। कारण क्या है? कारण है उनकी इनसिक्योरिटी, उन्होंने जीवन में आई उन अपॉर्चुनिटीज का, उन कीमती चीजों का कदर नहीं किया। वो चाहते हैं कम से कम जो उनका बेटा है, उनकी बेटी है, वो कदर करना सीखे सही चीजों। दिस इज ऑल दे वॉन्ट फॉर यू, एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि जो पेरेंट्स आपको डांटते हैं, जो आपको कंपेयर कर देते हैं दूसरे लोगों से, दूसरों के बच्चों से, वो सही है, बिल्कुल भी सही नहीं बेटा, वो बहुत गलत चीज है, पर उसके पीछे कारण देखो ना, शायद उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। उनके जमाने में हो सकता हो लोग इतने अवेयर ही नहीं थे, उनको किसी ने इस चीज की शिक्षा ही नहीं दी कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पता ये सारी बातें, आपको पता है ना। अब देखो आप जिस दिन माता पिता बनोगे, आप तो अपने बच्चों को नहीं कंपेयर करोगे ना लोगों से, आई होप इतना तो आपने अपने जीवन से सीख लिया होगा ना, कहीं गलत चीज तो नहीं सीख ली है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बहुत दिल लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहते हैं, पर दुनिया कठोर है, दुनिया हमें छल दे देती है, सामने वाला व्यक्ति हमें छल दे देता है, हमसे चीट कर देता है, हमें धोखा दे देता है, हमें तड़पा देता है, परेशान कर देता है, एक बार बात करने को आपको तरसा देता है, आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो, 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है, और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ इस दुनिया ने बहुत धोखा किया है, दुनिया मेरा इस्तेमाल करती है, आई एम बींग यूज्ड, और फिर वो कहावत हमने सुनी है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देंगे, पर हम जैसे को नहीं, हम पूरी दुनिया को तैसा देने लग जाते हैं। कहीं आपके अंदर ये भावना तो नहीं बन रही कि जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे ही तड़पाऊंगा? बिल्कुल नहीं बेटा, आपको सही शिक्षा मिल रही है, हो सकता हो किसी कारण से आपके माता पिता कोई शिक्षा मिल ही नहीं पाई हो, अंत में वो यही चाहते हैं आप भला करो, वो उन्हें तरीका ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि आपसे आराम से बैठ के बात करने से भी चीजें सही हो सकती है, उन्हें पता ही नहीं कि आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स बाहर जाके दुनिया में अनजानों से बताने लगे हो, और अपने माता पिता से अपनी कमजोरी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर पा रहे हो, ये चीज वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा उनकी बात दिल पे चोट करे तो छोड़ दिया करो, जाने दिया करो, हमारे ऊपर उनके अनेकों एहसान हैं कह सकते हैं, हर जगह वो सही भी नहीं होते ये मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, इग्नोर एंड मूव अहेड। कोई भी चीज हो, माता पिता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत प्रेम हो गया हो, कोई दोस्त हो जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो, और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, तो कोई बात नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, जस्ट इग्नोर। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना, इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको भाव नहीं दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं, जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, उस दिन जब तुमको भूख लगी हुई थी तो मैं दौड़ के कैंटीन तक गया था, भीड़ में घुस के तुम्हारे लिए 2 समोसे लेके आया था, लड़ झगड़ के उस भीड़ में मुझे धक्का भी पड़ा, किसी ने मुझे पीछे से मार भी दिया, पर मैं आया। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूं, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूं, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूं, ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है।
किसी के आगे गिड़गिड़ा के उसके पैर पकड़ के उसको अपने सारे एहसान जता के अगर तुम जीत भी लेते हो तो वो कुछ समय तक ही आपके साथ रहेगा। वो प्रेम नहीं है, वो दोस्ती नहीं है, वो तो बस आप सौदा कर रहे हो, वो तो बिजनेस है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि नहीं, वो भी मुझसे इतना ही प्रेम करता है, वो दोस्त भी मेरा उतना ही अच्छा है। अब आपको लगता है नहीं नहीं वो तो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, वो भी मुझसे बात करता है। सर देखो ना, मैसेज में उसके भी हमेशा रिप्लाई आते हैं। रिप्लाई आते हैं बेटा, कभी अपनी तरफ से सवाल नहीं आता उनका, सिर्फ जवाब आ रहे हैं, वो भी गिने चुने शब्दों में जवाब आ रहे हैं। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, और जिसको सच में आपकी इंपॉर्टेंस हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। आप जो चीजें सामने दिख रही हैं उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना सीखो, उनसे लड़ो नहीं।